नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया 2023 और 24 अब अपने चरण में चल चुकी है और आपका रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, यानी कि जो पहला कट ऑफ है मैंने आपको बता दिया है। अब पहला कट ऑफ मैंने बताने के बाद अब आपको ज़रूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना कि आप अपना नंबर कैसे काउंट करें। नंबर काउंट करने का मतलब यह है कि आपने बीए का एंट्रेंस दिया, बीएससी का एंट्रेंस दिया, सीयूटी का आपने एंट्रेंस दिया, वहाँ पे आपने जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन का पेपर दिया। लेकिन समस्या इस बात की है कि आपको अभी आइडिया नहीं है कि हम किस तरीके से अपने नंबर को काउंट करें। सबसे पहले हम बीए कोर्स की बात करते हैं। अलग अलग कोर्स के हम अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे जिससे कि आप अपने नंबर को काउंट कर पाएँ। सबसे पहले तो हम बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं। इसमें यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया था, यहाँ पे एक आपका लैंग्वेज, चाहे हिंदी या इंग्लिश में से आप एक लैंग्वेज चूज़ करिए 200 नंबर का, और जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी था 250 नंबर का, यानी कि 200 प्लस 250 इज इक्वल टू 450 मार्क्स। और दो डोमेन इसमें कहा गया था। दो डोमेन का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संस्कृत में से आपको दो डोमेन चूज़ करना है। दो डोमेन का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी परीक्षा में दो डोमेन दिए हैं तो आपको इतने दो डोमेन में से आपका नंबर काउंट होगा। अगर इतने में से 8 डोमेन में से अगर आपने दो डोमेन दिया है, मान लीजिए कई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भरा है प्रेफरेंस, तो उन्होंने कई डोमेन दिया है, तो दो डोमेन जिसमें हाईएस्ट आपके नंबर हो वही आपका नंबर काउंट होगा। मान लीजिए कि आपका 3 डोमेन की परीक्षा आपने दी है, पॉलिटिकल की दी है, हिस्ट्री की दी है और ज्योग्राफी की दी है। पॉलिटिकल में आपका 100 नंबर है, हिस्ट्री में आपका 110 नंबर है, ज्योग्राफी में आपका 120 नंबर है। तो जिसमें 120 और 110 है, यानी कि जो कम वाला है उसको नहीं आप ऐड करिए, हाईएस्ट 2 डोमेन आप काउंट करिए, एक लैंग्वेज आप काउंट करिए। मान लीजिए किसी ने 2 लैंग्वेज दिया हो, हिंदी का दिया हो, इंग्लिश का दिया हो, तो आपको जो है समस्या इस बात की है कि आपको जो है जो 2 डोमेन आपका है, दो डोमेन आप काउंट करेंगे, और आप लैंग्वेज जो काउंट करेंगे लैंग्वेज में भी आप हाईएस्ट वाला काउंट करेंगे। मान लीजिए कि आपने हिंदी का पेपर दिया है तो हिंदी यहाँ आप काउंट करिए। अगर आपने 2 लैंग्वेज दिया है तो उसमें दोनों में से जो हाईएस्ट है आप उसको काउंट करिए, यानी एक लैंग्वेज का नंबर, एक जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी था 250 नंबर का, और 2 डोमेन आपका, ये आपका इतना क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है, यानी 200 नंबर डोमेन का, 200 नंबर दो डोमेन का, यानी 400 नंबर डोमेन का, 200 नंबर आपका लैंग्वेज का और 250 नंबर आपका जनरल टेस्ट का। कुल मिलाकर के 850 नंबर टोटल मार्क्स आपका है, और 850 में आपकी मेरिट बनेगी, यानी जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो 850 नंबर में ही बनेगी। तो बात हम करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी अब परेशान हैं, हमने जनरल टेस्ट नहीं दिया, हमने डोमेन नहीं दिया, हमने लैंग्वेज नहीं दिया। तो मान लीजिए कि आपने कोई सेक्शन अगर आपका छूट जा रहा है, आपने डोमेन नहीं दिया, तो जिस जगह आपका छूट जा रहा है या जिसका आपने पेपर नहीं दिया वहाँ पे आपका 00 नंबर काउंट होगा। मान लीजिए कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से आपका कट ऑफ बनेगा, जिन्होंने जनरल टेस्ट नहीं दिया उनका लैंग्वेज और डोमेन के हिसाब से कट ऑफ बनेगा। तो इसको मत परेशान होइए, जो सेक्शन आपका छूट रहा है यानी कट ऑफ लैंग्वेज पे, 2 डोमेन पे और जनरल टेस्ट पे बनेगा, इतना आप जान लीजिए। अगर इसमें से कोई सेक्शन अगर आपका छूट रहा है तो उसको आप 0 मान लीजिए। तो मान लीजिए कि आपने जनरल टेस्ट में 100 नंबर पाया, लैंग्वेज में आपने 100 नंबर पाया, आपने डोमेन दिया ही नहीं, तो 100 + 100 इज इक्वल टू 200। 850 में आपका नंबर कितना होगा? 200 नंबर, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपने अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए। अब धीरे धीरे हम लोग एंट्रेंस की पूरी कवरेज आपको देंगे, और एडमिशन से लेकर के काउंसलिंग से लेकर के विश्वविद्यालय आने तक का सफ़र हम आपको हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। आपको कोई भी सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे पर्सनल अकाउंट अभिनव द्विवेदी 8112 पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।